प्रदर्शन करते लोग, बंद पड़े बाजार, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। तस्वीरें कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की हैं, जहां अलगाववादियों ने आर्टिकल 35 ए में बदलाव को लेकर दो दिन के बंद का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट में कल नागरिकों के विशेषाधिकार से जुड़े आर्टिकल 35 ए की याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसे लेकर घाटी में घमासान शुरू हो गया है। हुर्रियत नेताओं ने और अलगाववादियों ने इस पर एक महा जो है मास कैंपेन शुरू किया है, जिसको लेकर उन्होंने ये भी साफ किया है कि यदि सोमवार को इसके खिलाफ कोई फैसला आता है तो लोग कश्मीर में सड़कों पर निकलेंगे और एक उस तरह का हंगामा खड़ा करेंगे जैसा कश्मीर में पहले कभी नहीं हुआ हो। जाहिर है कि सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है। अलगाववादियों के अलावा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आर्टिकल में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आंदोलन को और बड़ा किए जाने की चेतावनी दी जा रही है। नहीं, ये दो दिन के लिए हमने अलामती तौर पर दिया है, इसके बाद अगर इन्होंने 35 ए पर कोई छेड़खानी की है तो पूरी तरह से हम एक मुनज्जम एजिटेशन का प्रोग्राम देंगे और वो एजिटेशन होगी टिल फ्रीडम। घाटी में सरकारी कर्मचारी, बार एसोसिएशन, व्यापारियों ने भी इस बंद का समर्थन किया है। वहीं इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पुलिस विभाग में विद्रोह की आशंका जताई है। हालात और तनाव को देखते हुए सुरक्षा बल अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी है, जिसमें सुनवाई को अक्टूबर तक टालने की गुजारिश की गई है। खत में अक्टूबर में होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव को देखते हुए माहौल खराब करने का हवाला दिया गया है। आइए आपको समझाते हैं आखिर आर्टिकल 35 ए है क्या। 35 ए जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को परिभाषित कर सके। अनुच्छेद 35 ए के तहत राज्य में जम्मू कश्मीर के बाहर के किसी व्यक्ति के अचल संपत्ति खरीदने पर रोक है। इस धारा के तहत कोई भी बाहरी नागरिक जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं बन सकता। अगर जम्मू कश्मीर की किसी महिला की दूसरे राज्य में शादी हो जाती है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, साथ ही उसके बच्चों के अधिकार भी खत्म हो जाते हैं। पिछले कई सालों से आर्टिकल 35 ए का विरोध हो रहा है। बीजेपी सरकार ने कई बार अपने चुनावी एजेंडे में कश्मीर में आर्टिकल 35 ए खत्म करने का वादा किया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में लगातार आ रही याचिकाओं पर सुनवाई की हामी ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। अशरफ वाणी, श्रीनगर।